जी मुर्गा आ गया। वहाँ भी बंटी कैसे हो? वाह दिखाओ जी, गिर गया छोटा। बंटी साहब चलो जी, रिजवान साहब जी मुर्गा आ गया, मुर्गी भी आ गई, दूसरी मुर्गी भी आ गई। वाह बड़े बच्चे निकले हैं वो बोले। ठीक है लाया, चलो इन छोड़ दो। ओ जी अपने माँ बाप के कोल आके कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। चलो ये रिजवान साहब सब तू छोटे बच्चे हम जड़े ना सारे दिखाओ सानू। हाँ सारे बॉक्स में डाल के ले आओ। ये है जी मेरे वाइट शामू, गुस्सा कर रहे हैं अपने बेटे पे। अभी मैं इनके आपको जो सबसे छोटे बच्चे हैं ना, एक माँ के और दो माँ के, वो दिखाता हूँ। वहाँ भी बंटी कैसे हो? ठीक हो? रिजवान साहब निकाल रहे हैं चूजे। वाह दिखाओ जी, रिजवान साहब मेरे सामने खड़े हैं और बहुत गुस्से से देख रहे हैं। हाँ देख लीजिए, चलो जी ले आओ। हाँ छोटे भी ले गए हैं रिजवान भाई, छोटे भी ले गए हैं आपको पता है ना। वो ही उजाना देने लग पे अंदर वाला उजाना देने लग पे। अच्छा जी, ये जी वाइट शामू के छोटे चूजे हैं। माशाल्लाह छोटे चूजे भी ले आया रिजवान। लाओ रिजवान साहब कितने हैं? ये सबसे छोटे चूजे हैं। चार पाई गंदी करती है। आज आपको जो है ना वाइट शामू की फैमिली दिखा रहा हूँ मैं। ये जी वाइट शामू के चूजे हैं मेरे माशाल्लाह। अभी इनके माँ बाप आ रहे हैं, वो इनके माँ बाप हैं, रिजवान लेके आ रहे हैं उनको। ये इनके माँ बाप आ गए हैं, आगे ले आगे आ चार पे। वो एक चूजा छलांग लगा के अपने डब्बे में चला गया। ये हैं जी वाइट जो सबसे बड़े वाले हैं। ये हैं जी वाइट शामू के बच्चे, ये इनके माँ बाप। और ये वाइट शामू के चूजे एक को सही करते हैं दूसरा गिर जाता है। और ये गिर गया छोटा। ये हमारा सबसे छोटा चूजा है रिजवान भाई। मुझे मुर्गा ला दें जरा। हाँ बड़ा मुर्गा ला दें, बस इतना ध्यान रखना है काटे ना। साहब मुर्गा लेने जा रहे हैं, वो बहुत जहरीला मुर्गा है, वो काटता बोल रहा है। ये आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ भाई वाह जी वाह, ऐतम पूरियां दिखा रहे हैं। रिजवान साहब अब टोकरी में पैक करके चूजों को पिंजरों में बंद करने लगे हैं। शाम का टाइम हो गया, अभी इन्हें बंद करके फिर खाना डाल लें। ये बड़ी आंटियाँ जो है ना वो चूजों को देख रही हैं। भाई उनके माल आपके भाई के पास काफ़ी बड़ा हुआ है माशाल्लाह, ये चेक करें।